अवाम की जदोजहद के साथ इस मुल्क में आम आदमी को वोट का हक मिला। पार्लियामानी तर्ज हुकूमत पर इत्तेफाक हुआ, इलेक्शन हो गए सन 1970 में, जिसे आज हम बतौर मिसाल पेश करते हैं। लेकिन इंतखाबात को बतौर मिसाल पेश करने के बाद क्या उसके नतीज पर भी हमारी नज़र है, जिसके नतीजे में मुल्क दो लख्त हो गया, हम पारा पारा हो गए। कायद आजम ने जो कौम को माटो दिया था, इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम, वो कहाँ रहा? कायद आजम का पाकिस्तान कहाँ है आज? शायद तारीख उसके हकायक से पर्दा उठाएगा। तारीख माफ़ नहीं करती किसी को। थोपा गया सियासतदानों पर और किरदार जनरल आगा यहया खान था। हुकूमत को चलने ही नहीं दिया गया, फिर माशाल्लाह, फिर हम कुछ संभले तो फिर माशाल्लाह। सोचना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट हमें जो नतायज मुरतब करके दे, जिनको यहाँ पर बैठने के लिए फहरिस्त में नाम शामिल करे, उस पर कब तक आप समझौते करते रहेंगे? कब तक हम ये सोचते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे उनके दरवाजों पर बैठकर? जो इलेक्शन हुए हैं, हमें तो 2018 के इलेक्शन पर भी एतराज था, आपको भी एतराज था, पीपल्स पार्टी को भी एतराज था, मुस्लिम लीग नून को भी एतराज था, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं उनको भी एतराज था। इस वक्त भी तो मैंडेट तकरीबन वही वही है, कुछ थोड़ा आगे पीछे। इसी मैंडेट के साथ उस वक्त धांधली क्यों थी और इसी मैंडेट के साथ आज धांधली क्यों नहीं है? हजरत, मुझे शर्म आती है अपनी गुफ्तगू में ऐसी बातें कहूं जो आप समझेंगे कि मैं तजावुज कर रहा हूं। सियासी आदमी, उसे बात करनी होती है। सियासतदान मालूमात की बुनियाद पर बात करता है, पब्लिक में बात करे, पार्लियामेंट में बात करे, खुदा करे ये खबर गलत हो। लेकिन हमारी मालूमात ये हैं कि इस बार तो बाकायदा असम्बलियां बेची गई हैं और असम्बलियां खरीदी गई हैं। कौन इन असम्बलियों को और इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट कहेगा? किस तरह हमारा जमीर मुतमईन है यहां पर बैठने में? हारने वाले भी परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। इस कैफियत में हकूमत में बैठी हुई जमातें, जो हमारे लिए मोहतरम भी हैं, हमारे हम सफर रहे हैं, हम उनके उन जद्दोजहद की कदर करते हैं, लेकिन उन्हीं की जमातों के अंदर उनके सीनियर लोग मजबूर हैं कि वो अपनी ही मैंडेट को मुस्तरद कर रहे हैं, उस पर एतराजात उठा रहे हैं। सिर्फ अपोजिशन की बात नहीं है, हम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं। तो जमहूरियत आज कहाँ खड़ी है? ये सिर्फ इसलिए हम यहाँ कमजोर बैठे हुए हैं कि हमने हर मरहले पर कंप्रोमाइज किया है, हमने अपने उसूल पर समझौते किए हैं, हमने अपनी जमहूरियत बेची है, हमने अपने हाथों से अपने आका बनाए हैं। और जब हम ही अपने हाथों से अपने लिए आका बनाएंगे, यही होती है आखिरत की निशानी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्रील ने पूछा कि आप क़यामत की अलामत के बारे में बताएं, तो आपने पहली बात की, अंतरिदल अमद रब्बतहा, अपने लिए मालिकाएं जलेंगी। और मैं बड़े अदब से कहूँगा, मुझे ये लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए, लेकिन हकायक को सामने लाते हुए कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त एक गैर महफूज रियासत है। जब रियासत गैर महफूज होगी तो जिम्मेदार कौन होगा? दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने की पॉलिसी बनाई जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में, जो अमेरिका ने कहा वो हम पे मुसल्लत कर दिया गया, और आज तक उस पॉलिसी में कोई फर्क नहीं आ रहा। ऑपरेशंस हुए, तालिबान का खात्मा कर दिया, दहशतगर्द खत्म हो गए। आज उससे कई गुना ताकतवर बनकर कैसे आ गए? हम यहां पर एक कानून पास नहीं कर सकते। बाजवा साहब फरमाया करते थे कि हमने बाढ़ लगा दिया है और अब कोई अफगानिस्तान न जा सकेगा न आ सकेगा। वो बाढ़ किधर है? उस बाढ़ पर जो अरबों रुपए खर्च हुए वो किधर हैं? कोई पूछ सकता है उनसे? और 30-40 हजार नौजवान यहां से कैसे गए उधर? 20 साल वहां लड़े, बाढ़ भी लग गया था, फिर वो उससे बढ़कर ताकतवर बनकर कैसे वापस आए? अफगानिस्तान से आप जरूर गिला करें,
कि हमने जिनको पकड़ा है, जिनको मारा है, उसमें अफगानी नेशनल भी हैं। बिल्कुल गिला करें आप उनसे कि उनकी सरजमीन से कैसे लोग इधर आए। उनसे कोताही हुई कि उन्होंने अपने सरहद पर उनको कंट्रोल नहीं किया, लेकिन आप भी तो सरहद पर बैठे हैं, आप क्यों नहीं रोक सके उनको? कैसे मुझ तक रसाई की और मुझ पर हमला कर दिया? मेरे ख्याल में उसूल एक ही है, वही उसूल जो अमेरिका ने अपनाया है कि इस्लामी दुनिया में और कमजोर दुनिया में दहशतगर्दी और अस्करियत पैदा करो, और जहां पर कोई ऐसी अस्करियत पैदा होगी वहां वहां पर अमेरिका को अपनी फौजें ले जाने का जवाब हासिल होगा। दहशतगर्दी उसकी जरूरत है। इस्लामी दुनिया पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना, इस्लामी दुनिया में फौजें उतारना, आज तमाम अरब ममालिक के अंदर अमरीकी फौजें मौजूद हैं, कहीं पर 5,000, कहीं पर 3,000, कहीं पर 2,000, कहीं पर 1,000, कहीं पर 500। बस ये दहशतगर्द, ये दहशतगर्द, ये दहशतगर्द, और उसके मुकाबले में उससे बढ़कर दहशतगर्दी हो रही है, और कोई उनको रोकने वाला नहीं है, ना उसको कोई बात करने वाला है। इराक में क्या किया गया? अबू गरैब जेल में क्या जिंदा इंसानों पर नंगा करके उन पर कुत्ते नहीं छोड़े गए और कुत्तों से उनके जिस्म को नहीं नोचा गया? अप्रैल खत्म हो रहा है, 40,000 से ज्यादा गजा और खान यूनुस के मुसलमान शहीद हो चुके हैं। ये बच्चे हैं, ये खवातीन हैं, ये बेगुनाह शहरी हैं, ये जंगजू नहीं हैं। जंगजू से मुकाबला करो, वो आपके साथ लड़ने के लिए तैयार। और फिर अमेरिका और बरतानिया और यूरोप इंसानी हकूक की बात करें, ये क़यादत का मसला है। मैं तो आज भी कहता हूँ और हमदर्दी की बुनियाद पर कहता हूँ, जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी और जनाब शहबाज शरीफ साहब से भी और अपने बरखुरदार बिलावल ज़रदारी साहब से भी, कि अवाम के लोग हो, चलो इकट्ठे अवाम में जाते हैं, छोड़ो इस इकतदार को, आए इधर बैठे, और अगर वाकई लार्जर ग्रुप पीटीआई है दे दो उनकी हुकूमत। लेकिन शायद मेरी बात जरा अहमकू वाली लग रही होगी आप लोगों की, क्या कह रहा है, कहाँ से बोल रहा है? आज भी वक्त है समझने की, लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं है। हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं, तो फिर जाहिर है कि हमने भी अजम कर रखा है कि इस गुलामी के खिलाफ जंग लड़ेंगे, मैदान अमल में आकर जंग लड़ेंगे, पब्लिक में जाकर लड़ेंगे, आईन और कानून के दायरे में लड़ेंगे, और मुल्क को इस गुलामी से निजात दिलाएंगे कि या तो हमारे ऊपर आलमी कुव्वतें हुकूमत कर रही हैं या फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमारे ऊपर हुकूमतें कर रही हैं। ये निज़ाम हमें कबूल नहीं है और हमारी पोजिशन इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है। इसलिए हमारा पैगाम हर सतह पर चला जाना चाहिए। हमने जाना है इंशाल्लाह 2 मई को कराची में मिलियन मार्च होगा इंशाल्लाह, 9 मई को पेशावर में इंशाल्लाह मिलियन मार्च होगा, और अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो वो सिवाय इसके कि अपने लिए मुसीबत को दावत देगा और कोई नतीजा उसका नहीं निकलेगा। वो आवाम के इस सैलाब का रास्ता नहीं रोक सकेंगे।